कुख्यात डकैतों का गढ़ माना जाने वाला धौलपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। और क्या हुआ जब पुलिस और डकैतों के बीच 10 से ज्यादा राउंड गोलियां चली? क्या हुआ जब धौलपुर पुलिस का सामना एक बार फिर दो कुख्यात डकैतों से हो गया? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक का खास शो क्राइम सीन और मैं हूं आपके साथ अमित भारती। धौलपुर जो आज से नहीं बल्कि सालों से डकैतों का गढ़ माना जाता है, वहां एक बार फिर दो डकैत पकड़े गए। आपको अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होंगी, एक तरफ है पहले की तस्वीर और दूसरी तरफ है बाद की। 22 दिसंबर 2023 को अपराधियों ने धौलपुर में एक पेट्रोल पंप लूटा, फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई और अब ठीक एक महीने बाद धौलपुर पुलिस ने दोनों मुख्य शूटरों को पकड़ लिया है और ऐसा पकड़ा कि दोनों चलने की हालत में भी नहीं है। जी हां, धौलपुर पुलिस ने फुल यूपी स्टाइल में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 25,000 के इनामी डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बताएं कि अजीत और कल्याण ठाकुर पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और ये इतने शातिर और चकमा देने में माहिर हैं कि इन्हें पकड़ने के लिए 3 जिलों की पुलिस को लगना पड़ गया। धौलपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर करौली जिले में छिपे हैं। इसके बाद धौलपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम वहां दबिश देने पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों वहां से फरार होकर भरतपुर पहुंच गए हैं। इसके बाद भरतपुर में चारों तरफ नाकेबंदी की जाती है, पुलिस की कई टीमें लगती हैं। करौली, भरतपुर और धौलपुर में तीनों की तलाश शुरू होती है और पुलिस की ये तलाश खत्म होती है धौलपुर के सरमथुरा इलाके में। डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर यहां पुलिस के सामने थे कि तभी दोनों पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। फिर क्या, पुलिस को भी मौका मिल जाता है जवाबी कार्रवाई का। इसके बाद तो बस एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ दोनों डकैत और धौलपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। हालांकि ये दोनों भी कब तक बचते, कितनी गोलियां चलाते? कुछ देर की मुठभेड़ के बाद दोनों को लगता है कि अब जान बचाना है तो भागना पड़ेगा और दोनों ऐसा ही करते हैं। लेकिन धौलपुर पुलिस भी इन्हें कहां छोड़ने वाली थी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये दोनों घायल हो जाते हैं और अब इनका बचकर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दबिश दी गई, इसी दौरान अभियुक्त पुलिस की घेराबंदी देखकर जंगलों में भागने लगे, जिनका पीछा किया गया। संपूर्ण धौलपुर क्षेत्र करौली और भरतपुर में नाकाबंदी कराएगी। नाकाबंदी सरमथरा थाना क्षेत्र में देखकर गांव डोमे के पास अभियुक्तों ने पुलिस की नाकाबंदी पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिस पर बदमाश जंगल की तरफ भागे। वह खनन क्षेत्र के गहरे गड्ढों में गिरने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की इमदाद से पकड़ा गया। अभियुक्त मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे, जिन पर विभिन्न धाराओं में अजीत पर करीब 30 व कल्याण ठाकुर पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। करीब महीने भर की तलाश के बाद आखिरकार कुख्यात अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर पुलिस के गिरफ्त में है। बता दें कि ये दोनों आगरा में मारे गए डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के हैं, जिसके खिलाफ लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर हार्डकोर अपराधी हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अजीत ठाकुर पर 30 और कल्याण ठाकुर पर 24 मामले दर्ज हैं। अब 25,000 के इनामी डकैत पुलिस के शिकंजे में है और धौलपुर पुलिस इनकी अच्छी खातिरदारी कर रही है। आपको क्राइम सीन की एक कहानी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए राजस्थान तक के साथ।